हेलो एवरीवन वन एग्ज़ाम में कॉफिशियट ऑफ स्क्यूनेस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स फार्मूला बेस्ड होते हैं जिसमें आपको मीन मीडियन एंड स्टैंडर्ड एवियेशन की वैल्यूज़ दी हुई होती हैं एंड डायरेक्टली यू कैन पुट द वैल्यूज़ एंड फाइंड आउट द सल्यूशन सो दिस इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कॉफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस सो पर कुछ क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली मीन मीडियन या मोड और स्टैंडर्ड एवियेशन दिया हुआ नहीं होता है

तो एक बार अगर ये कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाते हैं तो डायरेक्टली आपके सेंट्रल टेंडेंसी के भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस से रिलेटेड क्वेश्चन भी ईजिली वे में विदाउट एनी कन्फ्यूजन आप सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ पर आ, वीडियो में मैं ये सोल्यूशंस सेंट्रल टेंडेंसी के भी और कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करने का भी बता रही हूँ स्क्यूनेस के लिए क्वार्टाइल्स एंड परसेंटाइल पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल्स आते हैं जो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड होते हैं तो डायरेक्टली यू कैन पुट द वैल्यूज़ एंड फाइंड आउट द कॉफिशंट ऑफ स्क्यूनेस एंड जो हमने अपने नोट्स में डिस्कस किया है सो मीन मीडियन एंड मोड सेंट्रल टेंडेंसी के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं सबसे पहले हमें क्वेश्चंस में ये देखना होता है कि हमें जो डेटा है जो टेबल दी हुई है वो किस टाइप का डेटा है तो so जनरली हम बोलते हैं डेटा को लाइक वेदर इट इज़ अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा सो अनग्रुप्ड डेटा होता है जो रॉ डेटा होता है आपको एक सीरीज़ दी हुई होती है सो बेसिकली इट इज़ एन इंडिविजुअल सीरीज़ और रॉ डेटा ग्रुप्ड डेटा में अगेन इट इज़ क्लासीफाइड एज डिस्क्रीट और कंटिन्यूस तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है तो so क्वेश्चन में आपको या तो इंडिविजुअल सीरीज़ होगी या डिस्क्रीट होगी या कंटीन्यूस सीरीज़ होगी सो अकॉर्डिंगली आपको उसके बाद डिसाइड करना है कि मुझे आगे क्या फॉर्मूला यूज़ करना है या फिर क्या मेथड यूज़ करना है क्योंकि कंटिन्यूस और डिस्क्रीट के केस में मीन uh, मीडियन और मोड को कैलकुलेट करने के लिए थ्री अलग डिफरेंट मेथड्स होते हैं सो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल द टाइप ऑफ सीरीज एंड द मैथड्स सो फर्स्ट है मीन कैलकुलेशन फॉर इंडिविजुअल सीरीज तो इंडिविजुअल सीरीज़ लाइक आप देख सकते हैं सिंपल uh, आपको दी हुई होती है आपको रॉ डेटा दिया हुआ होता है एंड इसको सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है एंड डायरेक्टली यू कैन पुट द वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द मीन ये डायरेक्ट मैथड होता है सिंपल मैथड है बहुत ही सिंपल मैथड है नेक्स्ट होता है इंडिविजुअल सीरीज़ के केस केस में मोस्टली यही मेथड यूज़ होता है एज्यूम्ड मीन मेथड भी यूज़ करते हैं बट मोस्टली यही होता है जो हमने नोट्स में आगे डिस्कस किया है सेकंड होता है मीन कैलकुलेशन फॉर डिस्क्रीट सीरीज तो इसके लिए आते हैं तीन फार्मूलाज डायरेक्ट मेथड अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड सो डायरेक्ट मेथड के केस में सिंपल फार्मूला फ्रीक्वेंसी एंड एफ आई एक्स आई मल्टीप्लीकेशन विथ डिवीज़न ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिवीजन तो वन बाय वन वी विल डिस्कस हेयर ऑल दी थ्री मेथड्स विद एग्जाम्पल सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द डायरेक्ट मेथड तो डायरेक्ट मेथड सपोज ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है सो so, यहाँ पर साइज एंड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो साइज एक्स जो है वो डायरेक्टली एक नंबर है कोई इंटरवल नहीं है सो इट मीन्स इट इज़ अ डिस्क्रीट सीरीज एंड यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए हम तीनों मेथड से मीन फाइंड आउट करेंगे सो फर्स्ट वन इज़ द डायरेक्ट मेथड तो टेबल में हमने एक टेबल बनाया एक्स एंड एफ़ का एंड वी हैव फाइंड आउट एफ इंटू एक्स बिकॉज वी नो द फॉर्मूला इज एफ एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ़ तो हमने एफ एक्स फाइंड आउट कर लिया एंड समीशन ऑफ एफ जिसको काफ़ी जगह आप कैपिटल एन से भी देखेंगे कि डिनोट कि किया जाता है एंड यू कैन ईजिली वे में फाइंड आउट कर लेंगे आपका मीन अगर यही क्वेश्चन हम सेम अज्यूम्ड मीन मेथड से करते हैं तो इस केस में हमें एक डी वेरिएबल होता है वो कैलकुलेट करना होता है उसके लिए हम जनरली ए अज्यूम्ड जो बोलते हैं ए अज्यूम्ड मीन फाइंड आउट करना होता है दिस हेयर इज ए तो ये आप जनरली कुछ भी जो x है इधर से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जनरली ऐसा बोलते हैं कि सेंट्रल वैल्यू ले लेते ले हैं या फिर हाईएस्ट और लोएस्ट का एवरेज ले लेते ले हैं बट आप कोई भी वैल्यू uh, ले सकते हैं तो यहाँ पर हमने लेट ए इज इक्वल टू थ्री तो थ्री के हिसाब से जैसे वन माइनस थ्री इज़ इक्वल टू माइनस टू ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं एंड वहाँ एफ़ इंटू एक्स की जगह अभी हमने यहाँ पर एफ़ इंटू डी कर दिया है एंड उसके बाद सिंपली वैल्यूज पुट कर दी हैं फॉर्मूले में यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन एफ तो ए यहाँ पर हमने जो थ्री माना है और सिंपल एफ आई डी आई की जगह वैल्यू पुट करके फाइनली हमारा मीन आ गया है आप देखेंगे कि डायरेक्ट मेथड में भी सेम आंसर थ्री पॉइंट फाइव सिक्स था एंड अजूम मीन मेथड में भी सेम आंसर थ्री पॉइंट फाइव सिक्स था नेक्स्ट आता है स्टेप डेविएशन मेथड जिसको हमने नेक्स्ट कंटिन्यूस सीरीज के लिए एग्जांपल दिया है कि डी आईड डी आई कैसे कैलकुलेट करना है सो so, ये था इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज के लिए मीन कैलकुलेट करना अब आता है कि इफ़ इन केस आपका जो सीरीज़ दिया हुआ है जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है डेटा में अगर वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस केस में हम मेथड्स को कैसे अप्लाई करेंगे और क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप ध्यान से देखोगे तो फॉर्मूलेज में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं अगर आप समझोगे तो मीन का ये फार्मूला इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज के लिए सेम था यहाँ पर अज्यूम मीन मेथड यहाँ पे ये सेम था और यहाँ पर ये सेबड डेविएशन के लिए सेम है बट यहाँ पर जो डी कैलकुलेट होगा जो एफ़ कैलकुलेट होगा बस उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है तो कंटिन्यूस या फ्रीक्वेंसी सीरीज के लिए आपको इस तरीके से डेटा दिया हुआ है तो इट मीन्स ये कंटिन्यूस सीरीज़ है तो यहाँ पर हमें ये इंटरवल दिया हुआ है जीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी एंड सो ऑन तो यहाँ पर जो एक्स जो है वो एक हमें उसका मिड वैल्यू फाइंड आउट करना है तो लाइक जीरो प्लस टेन टेन अपॉन टू लाइक फाइव ऐसे ही सारे इंटरवल्स का ये डायरेक्टली एक्चुअली जो कंटिन्यूस सीरीज़ होती है उसको हम एक्स कंसीडर नहीं करते हैं ये हमें एक्स फाइंड आउट करना होता है तो ये फर्स्ट जो है डायरेक्ट मेथड तो हमने यहाँ पर क्लास इंटरवल्स क्लास इंटरवल्स के साथ करस्पॉन्डिंग uh, फ्रीक्वेंसी जो है एंड ये क्लास इंटरवल्स तो यहाँ पर हमने मिड वैल्यू फाइंड आउट कर ली है एंड मिड वैल्यू के फाइंड आउट करने के बाद सिंपली एफ़ इंटू एक्स जैसे हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में किया था समेशन निकाला एंड डायरेक्टली हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट मेथड अज्यूम्ड मीन मेथड के केस में हमारा क्या होगा सेम हमने मिड वैल्यू सेम जो डायरेक्ट मेथड में फाइंड आउट की है यहाँ पर डी हमें कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेंगे एक्स uh, के लिए जैसे यहाँ पर हमने ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव लिया है ट्वेंटी फ़ाइव से हमने डी कैलकुलेट किया है एंड एफ इन टू डी निकाल के हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया है फॉर्मूला में एंड वी uh, है कैलकुलेटेड द एजूम मीन मैथड नेक्स्ट आता है स्टेप डेविएशन मैथड तो स्टेप डेविएशन मैथड और अज्यूम मीन मैथड में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस होता है कि यहाँ पर हम d डैश कैलकुलेट करते हैं तो जब वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी होती हैं तो मिड वैल्यू जो होती है जो d होता है वो x माइनस ए ना करके x माइनस ए अपॉन एच एच मतलब जो क्लास का यहाँ पर जो इंटरवल है लाइक ट्वेंटी माइनस टेन टेन माइनस जीरो टेन है उसे डिवाइड कर देते हैं तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू आती है वो छोटी हो जाती है ठीक है तो वो से, आ, सेम उसके बाद हमें सेम वही मेथड यूज करना है डी की जगह हमें एफ़ इंटू नाउ डी आई डैस करना है एंड यहाँ पर फॉर्मूले में ए प्लस एफ आई डी आई डैश अपॉन एफ़ ये सेम था बस यहाँ पर इंटरवल का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हमने डिवीज़न किया तो वो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है एंड आप देखोगे कि यहाँ पर भी थर्टी आता है मीन आपका सेम we get from assume mean method and same we get from the direct method also so individual direct uh, discrete or continuous कौन सा data आपको question में दिया है सबसे पहले आपको ये doubt clear करना है उसके बाद आप इजीली वे में मीन कैलकुलेट कर सकते हैं सिमिलरली आपको मीडियन भी कैलकुलेट करना है तो इंडिविजुअल सीरीज़ के केस में आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ़ टोटल नंबर ऑफ़ जो डेटा है वो ऑड है या इवन है तो ऑड के केस में जो एन प्लस वन वन बाई टू जो टर्म होगी वो कैलकुलेट करनी है एंड इवन नंबर के केस में आपको ये दो जो मिड वैल्यूज़ वो आती हैं उनका एवरेज आपका मीडियन होता है तो एंड डिस्क्रीट के केस में लाइक like, हमने देखा था कि आपको ऐसे इस तरीके से जब डेटा हुआ था तो इट इज़ अ डिस्क्रीट सीरीज तो इस केस में हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे x एंड f सो so मीडियन के केस में हम कैलकुलेट करते हैं क्यूमिलेटिव फ्रीक्वेंसी सो क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी होती है जो आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है टेन ट्वेंटी थर्टी तो फर्स्ट वील स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हाँ इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है मीडियन के केस में पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में आपको डेटा यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में डेटा लिखना होता है उसके बाद स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी टेन के बाद टेन प्लस ट्वेंटी देन थर्टी आया थर्टी प्लस थर्टी सो नेक्स्ट आप इंटरवल फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाते हैं और यहाँ पर आपकी टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है सो so यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला यूज़ होगा आ, उसके केस में जो हमने इंडिविजुअल सीरीज में लिया था एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का टर्म टू टर्म तो एन यहाँ पर वन एटी है आ, वन एटी प्लस वन वन एटी वन डिवाइडेड बाई टू तो नाइन्टी पॉइंट फाइव जो आएगा तो आप देखेंगे कि नाइन्टी पॉइंट फाइव जो आता है वो वन वन जी ओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इस फ्रीक्वेंसी के अंदर आता है तो उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है फिफ्टी एंड मार्क्स या साइज है थर्टी फाइव सो आपका मीडियम हो जाता है यहाँ पर थर्टी फाइव इंडिविजुअल के के केस में भी आप ठीक है सो so नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगेन आपने देखा ये इंटरवल दिया है इट मीन्स इट इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस सीरीज तो यहाँ पर हमें मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सेम जैसे डिस्क्रीट सीरीज में किया था हमने क्यूमेलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की बट यहाँ पर हमारा फार्मूला हो जाता है चेंज तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है एल प्लस एच अपॉन एफ एन बाई टू माइनस सी एफ सी एफ इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो एल पता एल होता है लोअर क्लास तो यहाँ पर एन प्लस वन बाई टू ना फाइंड आउट करके एन बाई टू टर्म फाइंड आउट करते तो वो नाइन्टी आया तो नाइन्टी जो आता है वो हमारे वन वन जीरो के अंदर अंडर आता है तो इसके करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल है थर्टी टू फोर्टी तो इट मीन्स एल जो लोअर क्लास इंटरवल है वो हो गया हमारा थर्टी एच हमें पता है डिफरेंस इंटरवल्स का है टेन एफ करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी हो जाएगी हमारी फिफ्टी ओके एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है प्रीवियस मॉडल क्लास की जो प्रीवियस क्लास का यानी वन वन जीरो के प्रीवियस है सिक्सटी तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी हो जाएगी सिक्सटी नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज वी कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द मीडियन सो ये हुआ मीन एंड मीडियन नेक्स्ट आता है मोड जो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के केस में मोस्टली हम आ, देखते हैं इंडिविजुअल के केस में अगर कोई नंबर फ्रीक्वेंटली या फिर आ, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है तो वो आपका मोड हो जाता है एंड डिस्क्रीट के केस में जिस साइज या जिस नंबर की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है तो उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो एक्स होता है वो आपका मोड हो जाता है कंटिन्यूस सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में यहाँ पर हमें देखना होता है कि हाइस्ट फ्रीक्वेंसी किस इंटरवल की है तो इस केस में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 15 है एंड फिफ्टीन से रिलेटेड इंटरवल होता है आपका थर्टी टू फोर्टी सो थर्टी टू फोर्टी जो है इसका मॉडल क्लास हो गई है और इसके हमें ट्वेंटी टू थर्टी होगा वो प्री प्री मॉडल क्लास हो जाएगी एंड फोर्टी टू फिफ्टी पोस्ट मॉडल क्लास हो जाएगी तो इसमें फॉर्मूला जो है एल प्लस एच इंटू एफ वन माइनस एफ नॉट तो एफ वन है जो करंट मॉडल क्लास है एफ नॉट होगी आपकी प्रीवियस uh, वाली लाइक ट्वेंटी टू थर्टी एंड एफ टू हो जाएगी फोर्टी टू फिफ्टी तो डायरेक्टली फिर आपने यहां एल हो गया आपका थर्टी एंड एच टेन है एफ वन और एफ नॉट एफ वन मतलब यहाँ पर हो जाएगा एफ वन हो जाएगा आपका टेन एंड एफ नॉट इज फिफ्टीन एंड आप डायरेक्टली ये टेबल से वैल्यूज देखकर फॉर्मूला फार्मूला में पुट कर देंगे एंड यू कैन फाइंड आउट द मोड तो अगर आपको ये डेटा सीरीज क्लियर हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है आप क्लियरली वे में सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन ईजिली वे में कर सकते हैं एंड जब ये आपको पता है तो यू कैन फाइंड आउट द कॉफिशियट ऑफ स्क्यूनेस फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन तो यहाँ पर मैंने ये डिस्क्रीट सीरीज ली है आप कंटिन्यूस सीरीज भी ले सकते हैं अगर एग्जाम में कंटिन्यूस सीरीज़ आती है तो आपको मिड वैल्यू फाइंड आउट करके सेम फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं तो यहाँ पर स्क्यूनेस का फॉर्मूला मैं यूज़ कर रही हूँ मीन माइनस माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन मोड इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज दिस इज़ अ डिस्क्रीट सीरीज तो यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो है वन थर्टी सिक्स तो वन थर्टी सिक्स का करस्पॉन्डिंग इंटरवल है एट तो ईजिली वी मे वी कैन फाइंड आउट द मोड जो इसको हम इन भी बोलते हैं तो so मीन के लिए हमने डी कैलकुलेट डी सपोज अजुम मीन मेथड से किया है ए इज़ इक्वल टू सिक्स है क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज़ है इसलिए यहाँ पर अजूम मीन मेथड यूज़ करेंगे नंबर ज़्यादा बड़े नहीं हैं तो स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर हमने डी को मना लेट डी ए इज़ सिक्स तो उसके अकॉर्डिंग हमने डी कैलकुलेट किया देन एफ इंटू डी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है दिस वन इज़ द स्टैंडर्ड एविएशन फॉर्मूला तो उसके लिए हमने यही टेबल में डी स्क्वायर एंड एफ डी स्क्वायर डायरेक्टली वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लिया एंड उनका एडिशन ले लिया एंड uh, तो फर्स्ट वन हमने मीन कैलकुलेट किया क्योंकि फॉर्मूले में हमारा फर्स्ट वेरिएबल है मीन तो उसके लिए हमने यहाँ पर मीन कैलकुलेट किया बाई स्टेप अज्यूम मीन मेथर्ड देन मोड कैलकुलेट किया हाइएस्ट फ्रीकुन्सी के बेस्ड पर तो हमारा एट आया एंड स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला जो हमें लर्न करना है याद होना चाहिए उसमें हमने टेबल से ये वैल्यूज पहले ही कैलकुलेट कर ली हैं और ये वैल्यूज़ डायरेक्टली पुट कर दी हैं सो ऑल नाउ वी ऑल हैव वी हैव मीन मीडियम मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन तो डायरेक्टली वी कैन पुट द वैल्यूज़ इन द फॉमूला एंड फाइंड आउट द कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस तो इस तरीके से इजिली वे में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कोफ़िशियट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के लिए एंड सिमिलरली अगर यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज़ आती है तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्क्रीट सी कंटीन्यूस सीरीज आती है तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो आपको माइंड में सबसे पहले वो मेथड्स इंडिविजुअल डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूस सीरीज़ इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए सिंपल मेथड यूज़ होता है दैट इज़ द ईजिएस्ट इन द सेंट्रल टेंडेंसी टॉपिक सेकेंड डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस के लिए तीन मेथड यूज होते हैं जनरली हम फर्स्ट एंड सेकंड यू मेथड ही यूज़ करते हैं तो जब ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये चीज़ें कैलकुलेट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वार्टाइल्स एंड पर्सन से बेस्ड रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमने नोट्स में अपने डिस्कस किए हैं बाकी इस चैप्टर एंड बाकी जी के सभी चैप्टर्स के नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट इट्स सम समल्यूशनस पे जाकर देख सकते हैं एंड आपको वहाँ पर सभी नोट्स विद न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे थैंक यू एंड गुड लक